कोस्ट गार्ड का ताकतवर हथियार उड़ाएगा दुश्मन की नींद। पानी और जमीन दोनों की रक्षा करेगा होवरक्राफ्ट। मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबानी करती हैं ये आंखें। ये आंखें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में द्वारका तट पर ऑपरेशन आइलैंड वॉच चलाया है। इसके तहत पहली बार मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, पर अब दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैनात किया गया है होवरक्राफ्ट। ये समंदर में फर्राटे से दौड़ता है, रेतीले किनारों पर भाग सकता है, दलदल में भी चल सकता है, दुश्मनों पर शोले भी बरसा सकता है। ये है तटरक्षक होवरक्राफ्ट। आखिर क्या है ये होवरक्राफ्ट और कैसे ये समुद्र और जमीन पर काम करता है? ये एक हवाई गद्दों वाला वाहन होता है। जो पानी और जमीन के साथ साथ बर्फीली सतह तथा कीचड़ पर भी आसानी से दौड़ सकता है। इसमें एक बड़े पंखे से हवा की एक गद्दी तैयार की जाती है जिस पर ये होवरक्राफ्ट तैरता है। एक होवरक्राफ्ट में 8 से 10 सैनिक होते हैं और ये सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। समुद्र के रास्ते घुसने वाले दुश्मनों को रोकना इसका काम है। इसमें भी किसी एयरक्राफ्ट यानी विमान की तरह एक कॉकपिट होता है। कॉकपिट में कैप्टन के साथ एक सह कप्तान भी बैठ सकता है। जितनी तेजी से ये समुद्र में दौड़ता है उतनी तेजी से ये समुद्र के किनारे की जमीन पर भी दौड़ सकता है। होवरक्राफ्ट में हथियारों से लैस कमांडोज भी तैनात होते हैं। इन्हें जब कोई जानकारी मिलती है, जैसे कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों का पता चलता है, इसके बाद वो हथियारों के साथ आइलैंड पर उतर जाते हैं। बता दें कि ऑपरेशन आइलैंड वॉच के तहत ये होवरक्राफ्ट पूरी मुस्तैदी से तट की रक्षा करता है।